तो भाई लोग एक बार फिर से हमारा टॉपिक है टॉप 5 वॉच अलोन मूवीज, और ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। तो अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, लेकिन इस वीडियो के बाद। तो पहले नंबर पे मूवी आती है 2022 की ड्रामा थ्रिलर मूवी डीप वाटर, जो कि अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पे। इस मूवी के अंदर दिखाया है एक हैप्पीली मैरिड कपल होता है जो कि अपनी जिंदगी काफी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन इस कपल के अंदर जो लेडी होती है उसकी ट्रक की सीमा की कोई लिमिट नहीं होती, जिसकी वजह से वो बाहर रिश्ते बनाती है, जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ तो खराब होती है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है बहुत ज्यादा सेक्स और न्यूडिटी मूवी के अंदर। बट मूवी के अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट तब शुरू होता है जब इसके पति को अपनी बीवी के बारे में सब कुछ पता लगता है और वो किस हद तक जा सकता है अपनी बीवी को वापस पाने के लिए। अगर आपको न्यूडिटी और थ्रिल दोनों ही देखने में मजा आता है तो ये मूवी आपके लिए एक बार आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारी मूवी आती है 2016 की डाउन बाय लव। ये मूवी पहले प्राइम पे अवेलेबल थी लेकिन अब नहीं है, वहां से हटा दी गई है। तो आपको इस मूवी को देखने के लिए इंटरनेट के जादू का सहारा लेना पड़ेगा। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है एक ऐना नाम की लड़की की, जो कि क्रिमिनल होती है और जेल में अपनी सजा काट रही होती है, लेकिन सजा के दौरान ऐना को उस जेल के गवर्नर से प्यार हो जाता है और गवर्नर को भी उससे प्यार हो जाता है। उसके बाद पूरी जेल के अंदर वो दोनों लोग मिलकर रोमांस मचा रहे हैं और जेल का कोई कोना उन्होंने नहीं छोड़ा जहां पे उन्होंने सेक्स ना किया हो। बट ऐना से प्यार करने की जेल के गवर्नर को क्या कीमत चुकानी पड़ती है, ये भी मूवी में देखना काफी इंटरेस्टिंग है। थर्ड नंबर पे हमारी मूवी आती है 2022 में रिलीज हुई लेडी चटर्जी लवर्स। ये मूवी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि चटर्जी नाम की लेडी जिसका पति वॉर में घायल हो जाता है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाता है, जिसके कारण उनके फिजिकल रिलेशन बर्बाद होते जाते हैं, और इसके बाद चटर्जी अपनी फिजिकली नीड को पूरा करने के लिए अपने नेबर से रिलेशन बनाती है, और जिसके बाद उनकी लिमिटेशन की कोई सीमा नहीं रहती। वो मतलब एक तरह से हर एक जगह सेक्स कर रहे होते हैं, रोड पे सेक्स, बस में सेक्स, जंगल में सेक्स, घर पे सेक्स, मतलब एक तरह से इस मूवी के अंदर इतनी न्यूडिटी दिखाई गई है कि आप लोग भूल जाओगे कि आप मूवी देख रहे हो या फिर कोई पोर्न। तो अगर आपको परफेक्ट वे में एक रोमांटिक मूवी और सेक्सुअल न्यूडिटी वाले सीन देखने हैं तो ये मूवी आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, एक बार जरूर चेकआउट करना। फोर्थ नंबर पे हमारी मूवी आती है 2013 में रिलीज हुई आई स्पिट ऑन योर ग्रेव 2। इस मूवी को लिस्ट में रखने का सिर्फ एक रीजन है, न्यूडिटी, क्योंकि इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज्यादा डरावना है कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको इस मूवी को देखते टाइम शर्म भी आ सकती है। इस मूवी के अंदर बेसिकली दिखाया गया है कि एक मॉडल लड़की को कुछ 4-5 लोग उठा के ले जाते हैं और उसके बाद महीनों तक उसके साथ सेक्स या फिर रेप करते हैं। इस चीज को देखते हुए आपको अंदर से थोड़ा ऑकवर्ड फील हो सकता है, लेकिन इस मूवी के अंदर उस रेप को इतने ब्रूटल तरीके से दिखाया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते, और सब कुछ एकदम साफ, कुछ भी छुपाया नहीं गया, पूरी न्यूडिटी के साथ उस सीन को दिखाया गया है। लेकिन इस मूवी की स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी आती है, क्या वो लड़की उन सब से बच के निकल पाएगी, और अगर बच जाती है तो क्या उनसे रिवेंज ले पाएगी या नहीं। इस मूवी के 3 पार्ट हैं, अगर आपको ये पसंद आए तो इसके बाकी के 2 पार्ट भी देख सकते हो। और फर्स्ट नंबर पे जो मूवी आती है वो नेटफ्लिक्स की एक मूवी है, हो सकता है आपने देखी हो क्योंकि ये मूवी इतनी पॉपुलर हो चुकी है रोमांटिक जॉनर में कि इसके अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ 365 डेज की। और अगर ये मूवी आपने नहीं देखी है तो मूवी के 3 पार्ट नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है, एक बार जरूर चेकआउट करना। तो बस अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गो वॉच।